हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एग्जांपल नंबर 10th एंड एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 10th क्या है हमारा? एग्जांपल नंबर 10th है 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमने जैसे अब तक किए हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सेम सॉल्व करेंगे, जैसे हमने रूट टू किया था, रूट थ्री किए हैं, सेम सॉल्व करेंगे हम इसको भी। तो हम लेट 5 माइनस रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगेगी, मीन्स जो 5 माइनस रूट थ्री है दैट विल बी इक्वल्स टू ए अपॉन बी, वो ए अपॉन बी के बराबर होगा। और ए और बी क्या होते हैं हमारे यहाँ पे? वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। बी डिनोमिनेटर होता है रैशनल नंबर, वो जीरो नहीं होता, और वहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे को प्राइम इंटीजर्स लिया है दोनों को, कि दोनों का कैंसिल आउट करने पे मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये कह सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप का, तो 5 था हमारा, ए अपॉन बी को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इस तरफ लेके चले गए, और 3 को दूसरी तरफ, मतलब इक्वल्स टू के जो साइन है उनको एक्सचेंज कर लिया, तो रूट थ्री दूसरी तरफ जाएगा, माइनस रूट थ्री दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का रूट थ्री हो जाएगा, और ए अपॉन बी दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का ए अपॉन बी हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। कैसे हो जाएगा? एलसीएम लिया बी, इट विल बिकम 5b - a इज इक्व टू रूट थ्री। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व किया। उसके बाद हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज मतलब रूट थ्री को पहले लिख दिया, बाद में क्या हो जाएगा? 5b - a इक्व टू बी, मतलब LHS को RHS में लिख दिया, RHS को LHS में लिख दिया बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमने a और b को क्या माना था? को प्राइम इंटीजर्स। तो a और b को प्राइम इंटीजर्स हैं, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर्स हैं, सो जो 5b - a / b है वो क्या है? इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स को अपॉन में लिखा है तो वो रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। 5b - a, 5b - ये वाला हमारा, ये तो हो गया हमारा रैशनल। ठीक है, ऐसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, बस लाइन लिख दिया, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स सो 5b - a / b इज ए रैशनल नंबर। लेकिन बट वी नो दैट, बट वी नो दैट, क्या पता है हमें? रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, जो रूट थ्री है वो इरेशनल नंबर है, एंड इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू द रैशनल नंबर, जो रैशनल और इरेशनल है वो इक्वल नहीं होते। अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल नहीं है तो जो हमने सपोज किया था कि ये रैशनल है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन जो हमने सपोज किया था, हैंस 5 - √3 इज इरेशनल। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमें प्रूफ करना था कि जो 5 - √3 है वो इरेशनल है,
तो हमने इसको पहले रैशनल मान लिया, रैशनल माना तो ये ए अपॉन बी की फॉर्म में हो सकता है, और वहाँ पे हमने लिख दिया ए और बी हैं जो वो को प्राइम इंटीजर्स हैं और बी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर या पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्यू जो डिनोमिनेटर था वो जीरो नहीं हो सकता। तो इसके बाद हमने इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद एलसीएम लिया, एक तरफ हमारा रैशनल है, ये हमारा रैशनल है, दूसरी तरफ हमारा इरेशनल है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते रैशनल और इरेशनल, ठीक है हमें पता है ये दोनों रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते हैं, देयरफोर ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे इस पोजिशन को, हैंस जो 5 -√3 है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, एग्जाम्पल 11 है हमें शो करना है, शो दैट या प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। हम कैसे करने वाले हैं इनका प्रूफ, प्रूफ या सॉल्यूशन, सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, लेट अज्यूम लेट 3√2 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया, जब रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया तो इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर सेम ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स एंड बी कांट बी इक्वल टू जीरो, बी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। इसके बाद इसको रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज मतलब लिखना तो लिख देंगे ऑन रीअरेंजिंग वी गेट, रीअरेंज कर लिया तो 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इट विल बिकम √2 इज इक्वल टू ए अपॉन 3b। अब सेम लिखेंगे, देखो ए बी एंड 3 आर इंटीजर्स, देयरफोर ए अपॉन 3b इज, ये ए अपॉन 3b क्या है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब देखिए ए अपॉन 3b तो रैशनल नंबर है हमारा, ठीक है ए अपॉन 3b ये तो हमारा रैशनल नंबर है, बट वी नो दैट, वी नो दैट क्या पता हमें, √2 इज रैशनल नंबर IRR, इरेशनल नंबर IRRATION, ये हमारा इरेशनल नंबर है। देखो तो LHS में हमारा क्या है, हमारा इरेशनल है, और LHS में क्या है हमारा, सॉरी RHS में क्या है हमारा, राइट हैंड साइड में रैशनल है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, देयरफोर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया था, क्या सपोज किया था कि ये हमारा इरेशनल, ये हमारा रैशनल नंबर, तो हैंस हैंस 3√2 इज ए इज एन इरेशनल नंबर। इस वीडियो में हमने 2 ही क्वेश्चंस करने थे, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है 3√2 इरेशनल नंबर प्रूफ करना था, हमने रैशनल मान लिया, रैशनल माना तो ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए और बी को प्राइम इंटीजर्स हैं, बी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद रीअरेंज किया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल है, राइट में रैशनल है क्योंकि ये इंटीजर्स थे जो बराबर नहीं हो सकते, अगर ये दोनों बराबर नहीं हो सकते तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे पोजिशन को जो हमने एज्यूम किया था, हैंस इट इज़ अ इरेशनल नंबर। थैंक यू।